फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में आज 5% का अपर सर्किट लग गया और स्टॉक 22 के ऊपर चला गया। तो जो मैंने बोला था पिछले कई दिनों से जो मैं बातें कह रहा था वो सही साबित हुई। मैं लगातार आपको बोल रहा था कि ट्राइडेंट लिमिटेड पे आप भरोसा कीजिए, यह स्टॉक दौड़ेगा और बिल्कुल दौड़ेगा, और आखिरकार ये सही साबित हुआ, ये लगातार दौड़ा। आपने देखा होगा 19 के पास जाके स्टॉक फिर बाउंस बैक दे दिया था और वहाँ पे 13 का इसने सपोर्ट बता दिया था, लेकिन 13 के सपोर्ट से फिर दौड़ना शुरू किया। मैंने आपको बोला था इस पे भरोसा करो, यह कंपनी सबसे हटकर है, अलायदा है, इसका कारोबार करने का तरीका यूनिक है और इस वजह से स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। बहुत जल्द स्टॉक 3 डिजिट में जाएगा और उसके बाद में नई रफ्तार से ये दौड़ेगा। लगातार अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कंपनी की तरफ से। अब उन्होंने एक नया वॉशिंग पाउडर का बिजनेस शुरू कर दिया है, जिसकी पहले ही मैंने आपको न्यूज़ दे दी थी कि कंपनी आने वाले समय में नया वॉशिंग पाउडर का बिजनेस शुरू करने वाली है और ट्राई सेप के नाम से उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और ये आने वाले समय में इनके कारोबार में और गति प्रदान करेगा। तो आगे क्या संभावना बन रही है, क्या इस लेवल पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है या फिर अभी वेट करना चाहिए, काफ़ी स्टॉक दौड़ चुका है, फिर से करेक्शन की तैयारी है, तो क्या संभावना बन रही है। और आज बहुत ही भारी मात्रा में कामकाज हुआ, आज बहुत सारी बड़ी बल्क डील हुई है और इसके माध्यम से माल खरीदा गया और इस वजह से इसमें शानदार तेज़ी की संभावना बनी है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। दूसरी इसकी पेयर्स कंपनियों से इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है और स्टॉक लगातार अभी भी दौड़ रहा है और ये आने वाले समय का बिल्कुल मल्टीबैगर स्टॉक है। इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको मालामाल करेगा और इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको हम डिस्कस करेंगे। और ये पूरा वीडियो देखें फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्राइडेंट लिमिटेड क्यों मल्टीबैगर स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को कल कंफ्यूजन था, उन्होंने कमेंट भी किया कि सर जो ये ट्राई सेफ का जो उन्होंने वॉशिंग पाउडर जो शुरू किया नया बिजनेस, क्या उसकी अलग से लिस्टिंग होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्राइडेंट लिमिटेड ऑलरेडी बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है, उसमें एक नया बिजनेस उनका ऐड हो गया है तो ये अलग से कोई लिस्टिंग नहीं होने वाली, इसी का एक भाग रहेगा और आने वाले समय में कंपनी इसी तरह से और बहुत सारे निर्णय लेने वाली है और कंपनी धीरे धीरे एक बड़ा ब्रांड बनने वाली है। आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, किसी भी लेवल पर इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। आज के कारोबार की बात करें तो 22.20 पर स्टॉक ओपन हुआ, यानी सर्किट के ऊपर ही स्टॉक ओपन हुआ था लेकिन फिर सर्किट खुला। 21.60 का इसने लो भी बनाया और अंत में फिर से 5% अपर सर्किट पर इसमें क्लोजिंग दे दी है। स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। 6.25 का 52 वीक का लो, वहाँ से स्टॉक दौड़ते हुए अभी ये 22.20 पे नया इसने हाई बना दिया है और लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। और जब से इन्होंने अनाउंसमेंट की है 2 तारीख से, इन्होंने जो अपने ट्राई से वॉशिंग पाउडर की जब शुरुआत कर दी है, कंपनी बाज़ार में उसको लॉन्च कर दिया है, इस प्रोडक्ट की वजह से अभी और इसमें तेज़ी की संभावना बन चुकी है। ये जो प्रोडक्ट बनाया है फ्रेंड्स, ये सबसे हटके है, उसके पीछे वजह है इन्होंने उसमें नेचुरल हर्ब का इस्तेमाल किया है, नीम का इस्तेमाल किया, जिससे आपके हाथों को कोई किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, क्योंकि ये फिर ट्राइडेंट की ये प्रकृति है कि वो हमेशा किसी को भी नुकसान न पहुंचे वैसे ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है। और इतना शानदार प्रोडक्ट है कि इनके जो सॉफ्ट टॉवेल और है उनके ऊपर भी यूज़ करने में बहुत ही अच्छा है, यानी हर तरह के ये जो कपड़े हैं उसको अच्छे से उसकी हिफाजत कर सकता है, ऐसा इन्होंने ये निर्माण किया इस वॉशिंग पाउडर का, जो कलर को भी बचाएगा और उसके हाइजीन का भी ध्यान रखा जाएगा, जिससे कपड़ा ख़राब ना हो, उसमें किसी प्रकार का डैमेज ना हो। तो यह जो नया इनका प्रोडक्ट है ये बहुत जल्द मार्केट में छा जाएगा और इसकी वजह से इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर ट्राइडेंट के रिटर्न की बात करें तो बहुत ही शानदार दिया है इसका, अगर वन डे के हिसाब से देखें तो 4.96% मिल रहा है, वन मंथ के हिसाब से 35.37% का शानदार रिटर्न दिया है और 3 मंथ में इसने 60.29% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 1 ईयर का अगर इसका रिटर्न देखें तो हम 221% का जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है और 3 ईयर्स के हिसाब से इसने 245% का शानदार रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स के हिसाब से 426% का शानदार रिटर्न दिया है। तो लगातार रिटर्न अच्छा मिल रहा है, स्टॉक में निवेश करने पर किसी को भी कोई लॉस नहीं हुआ, बहुत ही शानदार कंपनी है। इसका रिटर्न FD से शानदार है, कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है, इंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, न ASM न GSM की लिस्ट में ये शामिल है। तो इससे अच्छा स्टॉक क्या हो सकता है जो निवेश के लिए अच्छा बन रहा है। 100% इसके ऊपर बाय की कॉल निकल के आ रही है एनालिस्टों की तरफ से, स्टॉक बहुत ही अच्छा है। और इसकी पीयर्स कंपनी के साथ में इसको कंपेयर करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने
छोटी कंपनी है, 221% का शानदार रिटर्न दिया है। वेल्सपून इंडिया ने करीब 216% का रिटर्न दिया जो इससे कम है, और इंडो काउंट ने करीब 297% का शानदार रिटर्न दिया है। तो तीनों कंपनियों के अगर कंपेयर करें तो ट्राइडेंट एक छोटी सी पेनी स्टॉक कंपनी होते हुए भी इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, और अभी स्टॉक उनके लेवल तक पहुंचने के लिए तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द कंपनी आगे जाएगी। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में भी इसमें स्टेक ले रहे अपना, तो निप्पन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इसमें अपना 0.3% का स्टेक लिया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इसमें 0.3% का स्टेक लिया है, और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने भी इसमें 0.02% का स्टेक खरीदा है। तो एक अच्छी बात है, बड़े बड़े फंड हाउसेस में अभी एंट्री लेनी शुरू कर दी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आज बल्क डील के माध्यम से बहुत बड़ी खरीदारी हुई है। तो पहली जो बल्क डील हुई वो 9:49 पर है, करीब 22.10 की प्राइस से 29,43,000 शेयरों की एक बल्क डील हुई है। उसके बाद में 9:42 पर 22.15 की प्राइस से 26,52,000 शेयरों की एक बल्क डील हुई, और उसके बाद में 9:45 पर 22.20 की प्राइस से 35,00,000 शेयरों की एक बल्क डील हुई। तो लगातार बड़ी डील के माध्यम से अच्छी खासी खरीदारी हुई है। 9:47 पर 33,00,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, उसके बाद में फिर वापस वही 9:47 पर 11,00,000 शेयरों की खरीदारी की गई है। उसके बाद फ्रेंड्स 9:49 पर 29,43,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है 22.10 की प्राइस से। उसके बाद में फिर फ्रेंड्स 9:49 पर 22.35 की प्राइस से करीब 10,00,000 शेयरों की खरीदारी हुई, और उसके बाद में 9:52 पर 19,65,000 शेयरों की एक बड़ी बल्क डील हुई। उसके बाद में वापस उसी टाइम यानी 9:52 पर ही 14,30,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई, और फिर वही 9:52 पर 11,49,000 शेयरों की डील हुई। तो बड़ी बड़ी बल्क आज डील हुई है, इसमें बड़ी खरीदारी हुई है, बड़े म्यूचुअल फंड ने इसमें आज खरीदारी की है, और स्टॉक इस लेवल पर अच्छा लगने लगा, इसीलिए लोग बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं। 11:47 पर 22 की प्राइस से इसमें 35,00,000 शेयरों की एक डील हुई है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी आज ब्लॉक डील हुई है, और इसके माध्यम से माल खरीदा जा रहा है, क्योंकि अब सबको समझ में आ चुका है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है, सबसे अलग है। जिसको पेनी स्टॉक कहा जा रहा था, अब वो पेनी स्टॉक नहीं रह के एक बड़ा शानदार मिड कैप स्टॉक बन चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका कारोबार लगातार बढ़ रहा है। जैसे इन्होंने जो नया जो वॉशिंग पाउडर का बिजनेस शुरू किया, तो वो सिर्फ इनका एक वॉशिंग पाउडर का ही बिजनेस नहीं, उन्होंने अपने जो रिटेल शोरूम है उनको भी बढ़ाने शुरू कर दिए। पिछले 2 से 3 महीनों में उन्होंने अपने रिटेल शोरूम की संख्या बढ़ा दी है। लगातार वो अपने रिटेल शोरूम हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं, बड़े से बड़े और छोटे शहरों में अपने ट्राइडेंट के रिटेल शोरूम खोलना चाहते हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट अच्छे से इंडिया में बिक पाए, उनकी क्वालिटी ए ग्रेड की है, और इस वजह से उनके कस्टमर बेस भी बहुत ही अलग हटके है। प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए सबसे नंबर वन है, और इसी वजह से उनको गोल्डन ट्रॉफी मिली है एक्सपोर्ट के लिए। कारोबार उनका अच्छा बढ़ रहा है, US में और दूसरे यूरोप कंट्रियों में उनका कारोबार बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। इस वजह से ये स्टॉक कमाल करेगा, बहुत जल्द 3 डिजिट में जाएगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। मैंने आपको लगातार बोला है, जब इसकी प्राइस 6 रुपये थी तब से मैंने खरीदारी के लिए बोला है, और अभी मैं इसमें खरीदारी की ही सलाह दे रहा हूँ, उसमें आपको प्रॉफिट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक कीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म नजरिया के हिसाब से इसमें निवेश किया हुआ है तो बने रहे, बहुत जल्द इसमें आपको 3 डिजिट देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।